अरे की सुना हमार यार हमें जादू गुनिहार हमें इसलिए गाना था कि पूरा जिला के बाबू ये रंगदार हमें अरे पियो तनी पानी हम पाने जी के नल पर पियो तनी पानी हम पाने जी के नल पर तो मानते हैं हम कौन दिया को पर खेसारी भैया को भी कम नहीं मानते हैं कहीं ना कहीं अगर पवन भैया को हम 100% मान रहे हैं तो 110% उनको भी मानते हैं क्यों मानते हैं क्योंकि पवन भैया के पास सुर है अरे कि ऊपर चले मरोजिए बाबू भगवान के ऊपर चले मरोजिए बाबू भगवान के आ नीचे चले ला रंगदारी कसवान के अरे कि बाल हो जनी दल गोरी दो सारा के बोल पर होई पसवान तैले हमराई फल पर जय हिंद। आप सभी का हेडलाइन भोजपुरी में स्वागत है। आज मैं आप सभी को बहुत ही विख्यात सिंगर जो जातिवाद के लेकर काफी ज्यादा प्रचलित है और इनके कास्ट के लोग इन्हें काफी ज्यादा सुनना और जानना और इनका वीडियो देखना पसंद करते हैं। आइए मैं आप सभी को तूफानी राग पसवान से रूबरू कराते हैं। कैसे हैं सर जी? सब बढ़िया। मैं चाहूंगा कि भैया आप एक थोड़ा सा अपने अंदाज में एक गाना गुनगुनाएं। देखिए बहुत सारा गाना आया है हम लोग का, अभी फिलहाल एक गाना चल जी जान जी पासवान जी को ही है थोड़ा गला मिल गया और पासवान जी का राज चल रहा गाना सुना देते हैं। अरे की बाल हो जनी दल गोरी दो सारा के बोल पर होई पासवान तैले हमराई फल पर गाना काफी चर्चा में थे। अभी फिलहाल हम लोग का ऊपर चले मर्जी बाबू भगवान के नीचे चले मर्जी पासवान के काफी कलाकार उसको कॉपी किए पर रहे। मेरा हमको दुख नहीं कि भाई हम लोग हमारा गाना लोग गा रहे हैं उसी की आवाज छोटा भाई हम लोग को प्यार से गाना का बोल था। अरे कि ऊपर चले मर्जी बाबू भगवान के ऊपर चले मर्जी बाबू भगवान के आ नीचे चले ला रंगदारी पासवान के और बहुत सारा गाना एक और गया गाना आया था। अरे की पत्थर पिसाई कबो मैदा ना होई अरे पत्थर पिसाई कबो मैदा ना होई पासवान के झुका दी कोनो फायदा ना होई। बहुत सारा ये गीत गाना आया था इस लोगों ने। अच्छा ये बताइए जिस तरह से आपने गाया कि नीचे पासवान के तो मतलब कि क्या कारण था कि मतलब जातिवाद गाना को लेकर आप? देखिए जातिवाद के गाना का मतलब नहीं है, जातिवाद गाना कुछ हम लोग अपने फैंस के लिए गा रहे हैं और ऐसा बात नहीं कि जातिवाद का गाना गाएंगे। हम लोग का हर चीज का गाना आता है, लोग भी तो है बोल बम में बहुत सारा एल्बम आता है। अच्छा आपको पता है कि आपके जो जिस तरह से आप गाना गाते हैं अगर कोई दूसरा कास्ट का होता है तो उसका विरोध करता है? नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, अभी तो फिलहाल हमारे ऊपर कोई विरोध नहीं। आपके ऊपर जैसे कि कोई भगवान है या कोई इस तरह गाना आता है ना, कोई ईरान है, कोई पासवान है, कोई कोई इस तरह गाना आता है तो इस पर काफी विरोध होता है। देखिए यहाँ तक नहीं, कई जगह लाठियां चल जाती है, कई जगह गोलियां तक चल जाती है। गाना गाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। जातिवाद करते हैं लोग मगर जातिवाद करने से ये नहीं होता है कि अपने जात को स्तर ऊंचा करे और दूसरा जात का नाम नीचे करे। एक बार ये बात बता रहे हैं कि अपने जात का नाम ऊंचा करे और दूसरा जात का नाम उस गाना में नीचे करे, ये कोई बात नहीं। किसी को नीचा नहीं दिखाना, उसमें अगर दिखाना है तो अपने को ऊंचा दिखाओ मगर किसी दूसरे जात के नाम को नीचे मत दीजिए, यही होता है। और यही होता है हर कलाकार में कि अपना जात का नाम ऊपर कर देते हैं और दूसरे जात का नाम नीचे कर देते हैं, तो इसीलिए मतलब विवाद पैदा होता है। इसीलिए आप एकदम एक तरफा सिर्फ अपने जात को ही लेकर गाते हैं, दूसरा का कोई टिप्पणी नहीं। देखिए अभी आपको बता दे रहे हैं कि एक गाना आया था अभी पासवान जी के राज चले जी। अरे की सुना हमार यार हमें जादू गुनिहार हमें जी, इसलिए गाना था कि पूरा जिला के बाबू ये रंगदार हमें अरे पियो तनी पानी हम पाने जी के नल पर पियो तनी पानी हम पाने जी के नल पर। इसमें कहां कुछ बुरा है बताइए कि सुना हमारे यार हमें जातो भगवान निहार जी, ये दोनों लोग का चीज हो गया। लड़की बोल दी पियो तनी पानी हम पाने जी के नल पर, किसी का कोई नाम भी इधर उधर नहीं हुआ, इसमें कहां कोई विवाद किया। जो भी फोन ईरान के भी लोग फोन करते थे हमारे पास, भगवान का भी फोन करते थे, सबको हमको वो लोग बधाई देते थे कि चलिए बाबू कोई बात नहीं है, तुम ऐसा हो कि सबका नाम मतलब अस्तित्व में अच्छा लिए,
तो किसी का नाम को मतलब नीचे नहीं गिराने के काम किया, इसलिए हम लोग विवाद को नहीं देते हैं। जी आपको भी समझने की जरूरत है, सभी वर्ग या सभी जाति के लोग अपने आप में एक विशेषता रखते हैं और किसी को इस तरह से नहीं नीचे दिखाना चाहिए। जिस काफी इस तरह के मार्केट में गाने आ रहे हैं जिससे समाज में काफी ज्यादा विद्रोह फैल गया है। ऐसा कोई बात नहीं है, अगर हमसे जो किसी का अगर विद्रोह फैलेगा तो हम गाना बंद करते हैं, क्योंकि हम अब हर लोग अपने अपने कास्ट के लिए गा रहे हैं, तो कास्ट के लिए गा रहे हैं तो मनोरंजन के लिए गा रहे हैं। ऐसा बात थोड़े ना है कि मतलब कोई टारगेट कर रहा है कि उसको हमको गोली मारना है, किसी को मतलब ये करना है, ये हम लोग कलाकार का टारगेट नहीं है। यही गाएंगे, हर चीज गाएंगे हम लोग, हर चीज गाएंगे, यही कलाकार का मतलब होता है। कलाकार का कोई जात नहीं होता है, मगर इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग गा रहे हैं तो फिलहाल ऐसा बात नहीं, ऐसा बात नहीं कि हम लोग वही गाएंगे, अलग चीज भी गाएंगे, अलग थोड़ा सा गाना बहुत सारा गाना है हमारा। अरे की जबू पेन्हे लू ललका घघरावा कजरावा जान मारेला, बहुत सारा गाना है, हमको ज्यादा याद नहीं है। कि हम तो तोहरेला रूपवा सजाइला, कि रोजे ट्यूशन पढ़े खातिर आइला, कि बोलो का बाटे तोहरो विचार हो, अरे कि नए दादा अब ना कर अब कब प्यार हो, रोहम करो पीछा छोड़ा, बहुत सारा गाना है, आपको याद नहीं है। अच्छा सर ये बताइए कि आप पासवान जी हैं, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? देखिए फिलहाल तो हमारा जो भी है, अभी मेरे भैया बैठे हैं अंदर, आपको मतलब इतना से यहाँ तक करने वाले वही इंसान है हमारे ऊपर, जितना अगर कहे जाए तो सबका मतलब वही। आपके जीवन में सबसे ज्यादा अहम योगदान किसका है? गायकी में जेपी। अच्छा काफी मुद्दा उठता रहता है कि भोजपुरी का नंबर वन स्टार कौन है, ये आपकी ऑडियंस जो पासवान ऑडियंस है वो जानना चाहती है, आप किसे मानते हैं? देखिए ये तो बात आपने पूछ दी है पर हम जवाब नहीं देना चाहते हैं, पर आपने पूछ दिए तो हम बता देते हैं कि हम लोग का कलाकार तो मानते हैं हम कौन भैया को, पर खेसारी भैया को भी कम नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं अगर पवन भैया को हम 100% मान रहे हैं तो 110% उनको भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि पवन भैया के पास सुर है और उसके पास अलग तरीके के ज्ञान है, और खेसारी भैया के वो भी देखा जाए तो उसको मतलब उनको पास सब कुछ व्यवस्था है, मतलब गाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, नाचने के लिए, अपने बल पर अगर कहे जाए तो इंसान बहुत अच्छा इंसान है और बहुत मार्केट में अपने दम पर। अच्छा पवन भैया के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो एक लाइन में एक शब्द में क्या कहिएगा? कहेंगे कि पवन भैया का मतलब इसी तरह मार्केट रहे और पवन भैया ऊपर नंबर वन में रहे। तो आप मानते हैं कि पवन सिंह नंबर वन है? जी पवन सिंह नंबर वन है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम ये भी बोलना चाहता हूँ कि खेसारी भैया भी नंबर वन नहीं है, दोनों लोग मेहनत करते हैं और मेहनत के बदौलत भोजपुरी में राज करते हैं। अच्छा आप तो बड़े स्टार हैं, आपके काफी लोग काफी जो फैंस हैं काफी गाना सुनना पसंद करते हैं, आप किसका गाना सुनना पसंद करते हैं? देखिए हम सारा कलाकार का गाना छोड़ते हैं सुनते हैं, छोटे से लेकर बड़े से लेकर सभी को सुनते हैं, क्योंकि हम लोग गाना सुनेंगे तब पर भी ना उनको ज्ञान होगा कि कैसा किसका गाना आया, कौन सा गाना मार्केट में हिट कर रहा है, कौन सा गाना फ्लॉप कर रहा है। तो हम लोग का सभी लोग गाना पसंद करते हैं क्योंकि हम लोग सुनेंगे तभी आगे की सोच हम लोग बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए कि आप जब गाना शुरू किए तो आपने गाने के बारे में पूरा उसकी जानकारी लिया, उसका ज्ञान लिया कि आप डायरेक्ट माइक और स्टूडियो में आ गए? नहीं देखिए हम लोग लगभग पांचवा क्लास से हम लोग पढ़ते थे अपने गांव में, तो हम लोग का मतलब जैसे मध्य विद्यालय सोनबरसा हमारा गाँव, वहाँ पर हम काफी मतलब चर्चे में थे, वहाँ जो भी प्रोग्राम फंक्शन होता था जैसे स्वतंत्र दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, उसमें हम लोग का मतलब भाग वगैरह मिलता था, सरस्वती पूजा है तो उसमें कॉमेडी खेलने का अवसर मिलता था, वहाँ पर कुछ गाने के लिए मौका मिलता था, ऐसे ऐसे करके हम लोग लगभग हम 8-9 बरस के थे तभी से हमको मतलब दिल में उत्साह था कि हम भी एक कलाकार बने, उसी समय से हम लोग गाते हैं। हम लोग जो इंटर पास किया ऐसी लगभग 2016-17 में, तो 17-18 के बाद हमने गायकी करना शुरू कर दिया। अच्छा ये देखा अभी तौर पे कोई फिल्म कोई प्रोजेक्ट इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा? बहुत जल्द हमारा एक समर भैया का फिल्म है आ रहा है, उसमें हमारा एक गाना जाने वाला है, बहुत जल्द उसमें लगभग 4 या 5 महीने के अंदर हमारा गाना रहेगा, उसमें रूल तो नहीं है पर इस गाना है गाना है आपका। अच्छा ये बताइए समर सिंह को देसी स्टार कहा जाता है, जमीनी स्टार कहा जाता है, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए समर भैया स्टार है,
लोग मेहनत करके आए थे, बड़े हुए, और हर कोई स्टार है। हम नहीं मानते कि ये नहीं है वो नहीं है, अपने बदौलत सब कोई स्टार है। एक छोटा कलाकार भी गा रहे हैं तो वो भी स्टार है, क्योंकि तो अपने पैर पर वो चलकर अपने मतलब कुछ पहचान अलग बनाने के लिए स्टार बनना चाहते हैं। तो सभी लोग अपने अपने स्टार। अच्छा ये बताइए कि देखिए पासवान जाति को लेकर, पासवान वर्ग को लेकर काफी लोग गाना गाते हैं, फिर आपने गाना शुरू किया और गाते गाते आपने पूरा का पूरा जो पासवान जाति है, पासवान जो वर्ग है, उसको एक तरफा अपने तरफ अपना फैन बना लिया, ये कैसे हो पाया? देखिए हमने इसे साल भर पहले कुछ कुछ देखा था, कोई कलाकार मेरे भाई बड़े भाई रमेश रोशनिया जी है, बहुत अच्छा कलाकार है, गाते हैं, और कुछ लड़के कुंदन पासवान भैया और सिंधु भैया कुछ मतलब सभी कलाकार इसमें जुड़े हुए हैं। सभी लोग हम देखते थे कि पासवान के कुछ नाम लेकर और बढ़िया चीज गाते हैं, ऐसे करके गाते हैं, तो हमको मतलब ज्यादा उत्साह नहीं हुआ कि मेरे कास्ट के लेकर अच्छा अच्छा गीत आ रहा है। हम देख रहे हैं कि बबुआ नहिरान सबको ही मतलब एक तरफा बज रहे हैं, तो हमने सोचा कि अगर यार हमारे अंदर क्वालिटी है तो हमारा भी जात कहीं ऊपर ऊपर जाए, कहीं हमारा भी जात पे कहीं नाम आए और कोई सुने हमारा भी जात पे, तो हमने गाने शुरू कर दिया। अभी तक ले जैसे हम 10-15 ही गाना पसंद के ऊपर गाए हैं, मगर जो भी गीत अभी तक गाए सब अपना ही मतलब बनाती चीज है, उसमें कोई किसी का ये नहीं। अभी सभी लोग उस गाना को कॉपी कर रहे हैं, तो हम ये करते हैं कि हमारा मतलब जो हमारा काम है तूफान का नाम तूफान की जैसा होना चाहिए। एकदम आपका नाम तहलका मचा रहा है और खासकर आपके फैंस तो कहना ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से आप गाना गाते हैं तो कोई शादी उदी का विचार क्या है? देखिए अभी शादी उदी का विचार नहीं है, क्योंकि अभी तो पूरा स्ट्रगल करना है, बहुत आगे बढ़ना है। अगर आज भी शादी कर लेंगे तो फिर आगे बढ़ कहाँ पाएंगे, परिवार में झमेला मौजूदा जाएंगे, परिवार के सब प्यार मौजूदा मौजूदा जाएंगे, तो गायकी नहीं हो पाएगा। गायकी मतलब बहुत कठोर चीज है, मान लीजिए इसको इतना ये अगर सलाह के रखे तो अच्छा रहेगा, इसमें भूलना हर कोई का मतलब हर कोई नहीं आ सकता है, गायकी में हर कोई नहीं आ सकता है। आजकल जितने लड़के हो रहे हैं नए नए, हम भी हैं उसमें, सभी लोग सोच रहे हैं कि आज एक गाना गाए और कल हम स्टार हो जाए। इतना दिन से 4-5 साल और बहुत सारे कलाकार हम लोग हैं अभी स्टूडियो में, बहुत सारे कलाकार लोग मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं कभी लोग को मिला प्यार दुलार मिला सुने पब्लिक का, कहीं अभी लोग को नहीं मिला है। तो ऐसा हम कहना चाहते हैं कि शादी भी हो गया, अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ हम लोग को हासिल करना है। अच्छा मैं चाहूँगा कि अपने फैंस के लिए एक छोटा सा गीत सुनना चाहिए। हमारा फैंस तो सब सुन ही रहे हैं, और फैंस का यही है कि कल परसों हमारा गीत आ रहा है, और गीत को ज़्यादा सुनिए आप लोग, और नहीं सुना पाएंगे हम क्योंकि अभी नया गाना है, और बता रहे हैं कि हेडलाइन भोजपुरी का जो भी मतलब हमको जो चाहने वाला है, हमको मतलब सर्चिंग करने वाले जो लोग, वो भैया का चैनल का भी हेडलाइन भोजपुरी का प्यार दुलार से ले दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते जाते अपने ऑडियंस के लिए कुछ एक जो गाना आने वाला उसके लिए भूलना चाहिए, अभी एक दो दिन बाद ही रिलीज होगा भैया, गाना रिलीज करने वाले भी बना नहीं सकते, हो रहा है तो चोरी तो इसी तरह चोरी है, मतलब कंटेंट डायरेक्ट चुरा ले रहा है। हाँ चुरा ले रहे हैं, चुराने के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे भाई हैं और भाई मेरे सीखते हैं, जैसे हम सीखे थे कुछ दिन पहले वैसे भाई लोग मेरे सीख रहे हैं, तो हम किसी को नहीं बोलेंगे कि चुराते हैं, हमको दिल खुश हो जाता है कोई कॉपी करता है तो करो भाई क्या दिक्कत है, हम लोग कोई स्टार को कॉपी नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई कॉपी कर रहा है हमारा भाई कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर तो जाते जाते अपने ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहिएगा? ऑडियंस के लिए ये कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर प्यार दुलार स्नेह बरसाते रहिए आप लोग, और जो भी हमको सुनने जानने पहचाने वाले हैं भैया के ऊपर भी आशीर्वाद दीजिए। जी आप सभी इसी तरह भैया को प्यार और दुलार दीजिए और उनके गाना को सपोर्ट कीजिए। इन्होंने जिस तरह से कहा ये जातिवाद को लेकर काफी ज्यादा सीरियस नहीं रहते हैं और अपने कास्ट पर एक तरफा एक अलग तरह का गाना लेकर आते हैं जो किसी का दिल पर चोट नहीं करता है। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, कैमरामैन संदीप के साथ आपका भाई रवि।